हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे YouTube पे फ्री पढ़ाया जाता है और सारे सिलेबस कवर किए जाते हैं। आपका एकमात्र चैनल जिस पे कोई भी पेड बैच नहीं है, सारी की सारी जानकारियाँ आपको फ्री में दी जाती है। आइए टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने परमाणु को पढ़ लिया था, अणु को पढ़ लिया था, तत्व के बारे में जान गए थे, हमने डोब्रेनर का त्रिक नियम पढ़ लिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लिया था। अब बात करते हैं बोरबरी के नियम की। दरअसल कहानी ये बनी थी कि रदरफोर्ड जी ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए थे कि किस प्रकार से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। आज हम ये भी देखेंगे कि बोरबरी ने क्या बताया, बोरबरी के नियमानुसार क्या चीज़ें होती हैं, और ये भी देखेंगे कि बोरबरी किस जगह पे जाकर फंसते हैं और कौन सा नया साइंटिस्ट आकर आगे की कहानी को बताता है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। दरअसल नाभिक हमारा धनावेशित था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे थे। बात समझने वाली बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड जी इनकी संख्या बताने में सक्षम नहीं हो पाए। तो नील्स बोर और जान बरी ने एक सिंपल सा फार्मूला दिया कि 2n स्क्वायर के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और यह उस कक्षक के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। टू एन स्क्वायर में यन क्या है भैया? यन है कक्षक की संख्या। जैसे पहली कक्षक के दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी एन, ये चार कक्षकें बात की। इन चारों कक्षकों में अगर हम रखते हैं 2n स्क्वायर के अनुसार तो हो जाता है 2 × 1² = 2। इसी तरह से 2n स्क्वायर के अनुसार 2 × 2² = 8। इसी तरह से m में हो जाएगा 18 और n में हो जाएगा 32। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। k में अधिकतम 2, l में 8, यम में 18 और यन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इससे कम हो सकते हैं सर, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते। बच्चों आपको समझना है क्या कि इस के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, लेकिन 1 हो सकती है। इसमें 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4, 3, 2, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते। इसी तरह से यम में 18 से कम हो सकते हैं और यन की बात करें तो इसमें 32 से कम हो सकते हैं, 32 तक हो सकते हैं, 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस चीज़ को उन्होंने लोगों को समझाया, अपनी पुस्तक में इस चीज़ को लिखा। आज हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा तत्व था 1H1.0079, इसमें यही है इलेक्ट्रॉन और यही है प्रोटॉन। इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना है भैया? 1, के, एल, एम और एन। हम देख पा रहे हैं कि केवल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक को दे दिया। दरअसल आप ये समझिए कि ये सब क्या हैं? भिखारी हैं। अपनी भाषा में समझिए कि ये सब भिखारी हैं। हमारे पास पैसे हैं, हम भिखारियों को देते जाएंगे, जहाँ भी पैसे ख़त्म वहीं से बंद। तो इसमें केवल एक ही कक्षा है, बाकी सब खाली है, अर्थात इसमें कक्षा केवल एक है और उस कक्षक का नाम है के। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से 2HE में देखेंगे तो K में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
11 पे सोडियम को देखेंगे तो सर देखेंगे कि हमने K को 2 दिया, L को 8 दिया और इसको दे दिया 1, 2 और 10 1, 11, यह हमारा खाली है। 17 नंबर पे क्लोरीन आता है तो देंगे 2, 8, 7, यह हमारा खाली है। अर्थात ये बात कहें तो हाइड्रोजन में केवल एक कक्षा है, हीलियम में एक कक्षा है, सोडियम में 3 कक्षाएं होती हैं, जबकि क्लोरीन में 3 ही कक्षाएं हैं, चौथी कक्षा नहीं है। प्रारंभ में तो ये बड़ा अच्छा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बड़ा ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रारंभ में तो ये चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी, जैसे ही हमने देखा पोटेशियम 19 पे है, कैल्शियम 20 पे है, तो इन्होंने कहा था कि KLMN जो 2, 8, 18, 32 है, पहले 2 देंगे, फिर 8 देंगे, तीसरे को 8 देंगे और जब चौथे में 1 या 2 देंगे फिर 18 पूरा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा KLMN, इसको हमने दे दिया 2, इसको दे दिया 8, इसको दिया 8, कितना हो गया भैया, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 1, 19। हमने इसको 9 क्यों नहीं दिया जबकि हम इसको 18 दे सकते थे? इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, फिर अब जब बढ़ेगा तो इसमें बढ़ा देंगे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि 2, 8, 8 और 2 दे दिया, अब ये मैटर फंस गया। जबकि स्कैंडियम 21 पे है, 2, 8, फिर यहाँ पे 2 दिया और फिर आके 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12, इसमें दे दिया 9। प्रारंभ में तो ये लोग को लगा कि चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन बाद में जब कार्बनिक यौगिकों की खोज शुरू हुई तो पता चला कि यार ये तो फिट बैठ ही नहीं रहा है, हमको कैसे पता चलेगी कि इसको 1 देना है या 2 देना है, हमको कैसे पता चलेगी 1 देना है कि 2 देना है, आप कभी 1 दे देते हो कभी 2 देते हो। ये एक अपवाद बन गया, यही एक कमी थी जिसको बताने में नील्स बोर और जॉन बरी अक्षम हो गए, अर्थात नहीं बता पाए। इसके लिए एक नए साइंटिस्ट बाद में आए, उन्होंने कहा कि हर कक्षक के अंदर कक्षक होता है, बात को समझिएगा, इन्होंने कहा कि कक्षक के अंदर भी कक्षक होता है। अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं तो समझते हैं कि रदरफोर्ड कक्षकों की बात करते हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते, बोर बरी ने कक्षकों को डिफाइन कर दिया लेकिन आगे जाके वो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं कर पाए। दरअसल समस्या वैलेंसी की आ गई थी, वैलेंसी क्लियर नहीं हो रही थी क्योंकि वैलेंसी है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। जैसे यहाँ पे देखें तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, स्कैंडियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम की वैलेंसी, ये पूर्ण कक्षक है तो जैसे ही पूर्ण कक्षक हुआ इसकी वैलेंसी हो गई 0, इसकी वैलेंसी हो गई 0, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी में फिर से फंस गया मैटर, क्योंकि किसी की वैलेंसी 4 से अधिक हो ही नहीं सकती, तो वैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे? सर बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वही वैलेंसी है, लेकिन वह 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर यह 4 से ज़्यादा होती है तो इसको 8-n के अनुसार लिखा जाएगा, यहाँ नोट करिएगा 8-n के अनुसार, अर्थात सीधे सीधे है तो 1, 2, 3 तक 4 तक तो ठीक है, अगर ये 7 हो गई तो 8 में 7 घटा देंगे, 8-7 कर देंगे तो 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इन्हीं चीज़ों को वो क्लियर समझा नहीं पाए,
तो एक नए साइंटिस्ट को आना पड़ा और उस साइंटिस्ट का नाम है आप बाऊ। आइए देखते हैं कि आप बाऊ ने क्या कहा। दरअसल आप बाऊ ने कहा कि प्रत्येक कक्षक के अंदर भी कक्षक होते हैं जिनको हम उप कक्षक कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षक के अंदर कक्षक होते हैं जिनको हम उप कक्षक कहते हैं। तो बोरबरी ने कक्षकों की बात की और आप बाऊ ने उप कक्षक की बात की। बोरबरी ने मुख्य ऊर्जा स्तर की बात की तो आप बाऊ ने उप ऊर्जा स्तर की बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारे उप कक्षक हैं वो हैं एस पी डी और एफ। प्रत्येक कक्षक में उप कक्षक हैं एस पी डी और एफ। इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 6, 10 और 14। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 2, 6, 10 और 14। ये किसकी बात कर रहे हैं? उप ऊर्जा स्तर की, या यूं कहें तो उप कक्षक की बात कर रहे हैं, यानी कि कक्षक के अंदर कक्षक। ठीक उसी प्रकार जैसे दादाजी के बच्चे पापा जी और पापा जी के बच्चे हम लोग, तो कक्षक के अंदर भी कक्षक, उप कक्षक। अगर आपसे पूछेगा कि बोरबरी ने किसका नियम दिया तो उप कक्षकों का नियम दिया, जबकि नील्स बोर और जान बरी ने, सॉरी आप बाऊ ने किसका नियम दिया तो उप कक्षक का दिया। ये आप बाऊ हैं, आप बाऊ। आप बाऊ ने उप कक्षक का नियम दिया जबकि बोरबरी ने कक्षक का नियम दिया था। बोरबरी ने मुख्य ऊर्जा स्तर की बात की थी और आप बाऊ ने उप ऊर्जा स्तर की बात की। इन्होंने कहा प्रत्येक कक्षक के अंदर 4 उप कक्षक होते हैं जिनका नाम एस पी डी एफ है और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10 और 14 है। जैसे उन्होंने कहा था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। इनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि हम बनाते हैं 1s 2s, फिर 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, इसी तरह से 5s 5p 5d और 5f। फिर से घटना शुरू हो जाएगा 6s 6p 6d 7s 7p और 8s। इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया, हम अपने तरीके से बनाते हैं। तीर के पीछे से आना है, तीर के आगे आके फिर पीछे चले जाना है। तीर के पीछे से आना है भैया, और रास्ते में जितने भिखारी मिलेंगे उनको पैसे देते आना है। हमने क्या कहा था कि ये सब के सब क्या हैं? भिखारी हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको आज मैं वैलेंसी भी क्लियर करवा दूंगा, ये उम्मीद करता हूँ, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बाद की क्लास में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जानकारी के लिए आप इसको पढ़िए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम शॉर्ट ट्रिक में कल की लेक्चर में आपको बता देंगे कि कैसे बिना इसके भी निकाला जा सकता है। फिलहाल आइए देखते हैं हाइड्रोजन जो 1s था, सबसे पहले देखते हैं कौन सा भिखारी मिला भैया। ये भिखारी है, तीर के पीछे से आना है, जैसे तीर खत्म होगी फिर पीछे चले जाना है, फिर आगे आना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है। जो भी भिखारी मिलेंगे उनको हमारे पास जितना पैसा रहेगा, संभव हो सकेगा उतना दे देंगे, जहाँ से ख़त्म वहीं से कहानी ख़त्म। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है केवल एक और पहला ही भिखारी मिल गया 1s। 1s भिखारी का नाम है, जो इलेक्ट्रॉन देंगे हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 रुपये दिया, काम ख़त्म। 2He की बात करें तो 1s मिला और ये ले सकता है मैक्सिमम 2 रुपये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमने इसको, हमारे पास 2 रुपये था, 2 रुपये दे दिया। इसी तरह से सोडियम की बात करें, 11 नंबर पे है, तो भैया क्या करेंगे? सोडियम की बात करके देख लेते हैं कि पहले कौन सा भिखारी मिलेगा, 1s, इसको दे दिया 2 रुपये। फिर कौन मिला? तीर के पीछे गए रास्ते में मिला 2s, इसको भी यस है तो यस को अधिकतम 2 दे सकते हैं। फिर तीर खत्म हो गई, फिर पीछे गए तो मिला 2p,
पी को अधिकतम दे सकते हैं 6 रुपये, वहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं तो 6 दे दिया। और फिर 2P के बाद नंबर आया 3S का, लेकिन थोड़ा सा अपनी जेब भी देख लो मेरे भाई, जेब भी देख लो ना, कितने रुपए खर्च कर चुके हो, थे 11 रुपए, 2, 2, 4, 6, 10 रुपए खर्च कर चुके हो, बचा है 1 रुपए, यस ले सकता है 2 रुपए, लेकिन है 1 रुपए तो 1 रुपए दे दो। जैसे ही भिखारियों का नंबर बदले यहाँ पे कॉमा लगा देना, इसका कारण अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। 17 पे क्लोरीन है, कर देते हैं तो 1S मिलेगा, 1S को हमने दे दिया 2 रुपए, फिर 2P मिलेगा, 2P को दे दिया 2 रुपए, फिर 2P तीर ख़त्म हो गई, फिर पीछे गए तो तीसरी तीर में मिला 2P, इसको P को चाहिए 6 रुपए तो दे दिया, क्योंकि पैसा बहुत है, डरने की बात नहीं है। फिर कौन सा मिलेगा, फिर मिलेगा 3S, इसको दे सकते हैं 2 रुपए, दे दो भाई। फिर 3S के बाद देखो तीर ख़त्म हो गई, फिर पीछे जाएंगे देखेंगे 3P, अब थोड़ा सा अपनी जेब टटोल लो, कितने रुपए खर्च कर चुके हो और कितने थे, 17, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, ये तो 6 रुपए मांगेगा, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 5, भैया 5 दे दो, कह दो भैया नमस्कार हमारे पास 5 ही रुपए है। जैसे ही भिखारियों का क्रम बदला हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। 20 पे कैल्शियम है, चलो देख लेते हैं, पहले मिलेगा 1S2, फिर 2S2, फिर 2P6, फिर 3S2, 3P6, फिर 4S2, देखो क्या हो गया, क्या सर 1S2 मिला दे दिया, 2S मिला दे दिया, 2P मिला यहाँ पे दे दिया, देखते जाओ आप वहाँ पे, फिर 3S मिला दे दिया, 3P मिला दे दिया, और 4S मिला दो दिया, देखो पैसे बचे हैं क्या, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 20 रुपये ख़त्म। यहाँ पे कॉमा लगाओ, देखो एक बात समझा रहा हूँ, बड़ी ही मज़ेदार है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, वैलेंसी हो गई 2, ये है K, ये है L, और ये 3 नंबर वाला हो गया M, इसी तरह से K, ये L और ये M, ये K, ये L, ये M और ये N, देखो इसमें कितने हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, L दोनों मिला के है ना भैया 2 नंबर वाले, तो 2 और 6, 8, देखो K में 2, L में 8 और M में 1, तो सबसे बाहरी कक्षक कौन सा है, M है, तो यम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह से इसमें है 2, इसमें है 8 और इसमें कितने हो गए सर, 7, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस n, यानी कि 8 में से 7 गया तो वैलेंसी आ गई भैया 1। इसी तरह से इसमें चलते हैं देखते हैं, तो के में 2, यल में 8, यम में 6, 2, 8 और यस में कितने, यन में कितने होगी भैया, 2, वैलेंसी कौन सी हो जाएगी, पहले यही तो होगी वैलेंसी, हो गई ना वैलेंसी, सिंपल थी। ये है हमारा आबाव का नियम, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगली कक्षा के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, कल शाम को 7 बजे पुनः आपको यहीं पे मिलेंगे, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है, तो हौसला अफजाई करिएगा ताकि हम आपके लिए खड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।